और क्या क्या मोदी को हटाएंगे, जो पूरे के पूरे विपक्ष पूरे मिलकर के मोदी को हटाने के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। घर में अगर 10-10, 20-20 लोगों को पैदा किया जाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा, उनसे एक पत्ता तक नहीं हिलने वाला है, ये लिख के दे दे रहा हूँ। क्या है तू, आप मोदी जी है हमारे, बोले हटा के दम लेंगे। हाँ, देश की जनता हटाएगी नरभक्षी को, ये नरभक्षी है नरभक्षी। अरे यार तुम अज्ञान लोग हो, अज्ञान हो ना, अज्ञान। अरे अकाउंट है, तुम अज्ञान लोग हो, तय है, सोच रही है, सो एकदम तय है इस नरभक्षी की खात्मा होगी। लालू यादव थे, अब है नहीं, थे है नहीं, है नहीं, क्यों? नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, लालू यादव ने अपने अंदाज में कह दिया है कि जब तक मोदी को हटा नहीं देते दम नहीं लेंगे। सीधे बोले हैं, मोदी को हटा के ही दम लेंगे। यहाँ जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, नौजवान होंगे या फिर कोई भी होंगे, उनसे पूछेंगे जरूर, ये शख्स मौजूद है, कहाँ जा रहे हैं हम अभी तो? क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। मोदी को भी जानते होंगे, लालू यादव को भी जानते होंगे। लालू यादव का बयान बस इतना है कि मोदी को हटा के ही दम लेंगे, तो अगला साल चुनाव में कुछ होगा या मोदी ही होंगे? नहीं, मोदी तो नहीं आएगा। तो कह रहे हैं लालू यादव अपने अलग अंदाज में वापस से, राहुल आवे, जो आवे, इवन नितिन गडकरी आवे, लेकिन मोदी को हम जनता को नहीं आने, त्रस्त हम लोग। लालू यादव अपने अंदाज में बोले हैं। हाँ, तो बोले हैं तो सही दम लेंगे। हाँ, नितिन गडकरी आ जाए वो मंजूर है, लेकिन मोदी नहीं। ये भी सारा इसरो से बात करेंगे, पहुंचाएंगे। वो क्या पहुंचाएगा, आज चंद्रमा पर चला है। नहीं, लालू यादव करेंगे, इनको पहुंचाने का जरूरत है। वो बेकार पहुंचाएगा वो, और उसको अथी हो जाएगा कि हम चंद्रमा पर गए हैं, उसको यही धरती के नीचे गाड़ देना चाहिए। खुश नहीं है? नहीं, क्यों? आप देखिए ना, क्या अथी महंगाई बढ़ गई है, दुगना तक किए हैं। 200 रुपया कौन चीज कर, 200 रुपए से दे रहा है। टैक्स 11 लाख 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर दे रहा है कॉर्पोरेट का। अडानी, लालू यादव सही बोलेंगे, हटा के ही दम लेंगे। हाँ, सही बोले हैं। आप बताइए, लालू यादव को भी जानते होंगे, मोदी को भी जानते होंगे। लालू यादव ही नहीं हटाए, जनता हटाएगी। लालू यादव, लालू यादव अपना बिहार को लूटे, वो कौन देगा, वो कौन भरपाई करेगा, वो कौन भरपाई करेगा? 11 लाख करोड़ रुपया वो है अडानी को माफ किया। अच्छा ठीक है, वो जो भी किए हैं। ये बताइए, आप नौजवान है, अभी रोजगार है, अभी बेरोजगार है, अभी हम आत्मनिर्भर है। ये बताइए कि लालू यादव अपने अलग अंदाज में, जैसे अंदाज में बोलते थे, वो बोले हैं कि मोदी को हटा के ही दम लेंगे। एक मतलब प्रतिष्ठित आदमी को जो अभी सबसे उच्च स्तरीय पे विराजमान है, उनको इस तरह का बात बोलने के लिए एकदम उनको शोभा नहीं। हट पाएंगे कि नहीं हट पाएंगे, ये बताइए। नहीं, वो अगर चालेंगे तो फिर से उनको जेल वाला सेल मिल जाएगा। कौन वाला? अगर मोदी जी चालेंगे तो हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन लेकिन लालू यादव चालेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। सब कहता है कि बहुत तिनका नहीं हिलेगा मोदी जी का। और क्या क्या मोदी को हटाएंगे, जो पूरे के पूरे विपक्ष पूरे मिलकर के मोदी को हटाने के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। आने वाला पीढ़ी जानेगा कि पूरे के पूरे भारत के जितने नेता सब मिलकर एक मोदी को हटाने की बात करते हैं। हाँ, क्या? और आप बात करते हो, कौन बात कर रहा था अभी महंगाई का? घर में अगर 10-10, 20-20 लोगों को पैदा किया जाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा? हाँ, पैदा नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, सही बताइए, आपका उम्र क्या हो रहा है? उम्र 18 साल प्लस हो रहा है। हाँ। लालू यादव जब बोलते हैं तो सब सुनता है। हाँ, मैं सुनता हूँ। अपने अंदाज में बस इतना ही बोले हैं कि मोदी को हटा के दम लेंगे। इस बात में आप नौजवान हैं, कितना सच्चाई लगता है? उनसे एक पत्ता तक नहीं हिलने वाला है, ये लिख के दे दे रहा हूँ। लालू यादव है वो, क्या है तू, आप मोदी जी है हमारे सामने, पूरे मोदी है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। इसको अभी कोई ख्याल नहीं है देश के बारे में। लालू यादव के बारे में आप जो जानते ही होंगे, लालू यादव के बारे में पूरी तौर पर जो इतनी उम्र जानेंगे ना, अपने अंदाज में वापस आए हैं, अपने बोले हटा के दम लेंगे। हाँ, देश की जनता हटाएगी नरभक्षी को, ये नरभक्षी है, नरभक्षी। नरभक्षी मतलब क्या? नरभक्षी देश की जनता को नरसंहार करने वाला ये है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नाराज है, इतना नाराज है इसलिए, सुनो मेरी बात। बोलिए बोलिए। सबसे पहले इसने आक्रमण किया देश के अन्नदाता किसान पर, किसान पर, ठीक है। दूसरा आक्रमण किया देश के निर्माण कर्ता मजदूर पर। स्थिर रहो ना, स्थिर रहो ना, तो अरे यार तुम अज्ञान लोग हो, अज्ञान हो ना, अज्ञान। अरे अकाउंट है, तुम अज्ञान लोग हो, अज्ञान लोग हो, अज्ञान लोग। आप बताइए तब, चलिए आपका समझाना आपको सब लोग। तीसरा आक्रमण हमारे जैसे गरीब गुरबा लोगों पर,
शिक्षा के नाम पर लूटने में किया, शिक्षा के नाम पर लूटने में किया, पूरा प्राइवेट के हवाले कर दिया। और हम अब देह बेच के, जमीन बेच के इस बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ा के और कहता है आप पूंजीपतियों के तुम गुलाम बन जा। तो अगला साल क्या होगा लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा नरभक्षी की खात्मा होगी, तय है, सोच रही है, सो एकदम तय है, इस नरभक्षी की खात्मा होगी। ये नरभक्षी है हिंदुस्तान की, ये नरभक्षी है। लालू यादव जब बोलते हैं तो पूरा दुनिया सुनता है, मुझे लगता है। हाँ। अपने अंदाज में बोले हैं कि जब तक हटाएंगे नहीं मोदी को तब तक दम नहीं लेंगे। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है लालू जी के। तो क्या होगा, लालू यादव हटा देंगे नरेंद्र मोदी को? एकदम निश्चित 100%। तो आप क्या मतलब कि परेशान है नरेंद्र मोदी से? परेशान पूरा हिंदुस्तान है, हम ही परेशान हैं। क्यों, कारण क्या? इसलिए कि सबसे पहली बात है कि जो बेरोजगारी बढ़ गया है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो जिसके गार्जियन जो है 5 साल 8 साल गार्जियन अपना खेत बेच के, जमीन बेच के, कर्जा लेकर के बच्चे को पढ़ाते हैं। अब बच्चे को आज नौकरी नहीं मिल रहा है, मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचिए, उनको बिजनेस कीजिए। एक नौकरी भी दिए है तो अमेंडमेंट किए हैं, पहले पूरे हिंदुस्तान में अभी एक फोर्स की नौकरी है। कुछ नहीं किए 9 साल में? हाँ, कुछ नहीं किए हैं, अपना खाली हाईलाइटेड किए हैं अपना फोटो। मेरा मनोज कुमार हुआ, मधुबनी जिला से आया। आप इस बयान से मतलब कि साथ हैं लालू यादव के या नहीं? हम तो कि हटा के दम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने वाला लोग बोलता है, नहीं बोलने वाला लोग हटेंगे, ये बताइए। ऐसा कोनो फाइनली नहीं है, तो जनता तय करेगी। लालू यादव है वो, अरे कहा जाता है किस जो बोलते हैं लालू यादव थे, अब है नहीं, थे है नहीं, है नहीं। क्यों क्यों इसलिए नहीं? लोग एक तरफ विपक्ष, आपको मालूम होगा कि विपक्षी बैठक हो रही है। अरे विपक्षी बैठक हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, किंतु पहले का राजनीतिक में और अभी के राजनीति में बहुत अंतर हो गया है। क्या? चूंकि अभी रोजगार मिला है कि बेरोजगार? रोजगार तो हम अभी आज सुबह से बोर्ड ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। मिला कि रोजगार के नहीं मिला? रोजगार है, रोजगारे के लिए हम ठीक है, रोजगार अभी नहीं मिला तो ये बताइए अगला साल किसको चुनिएगा? हम तो मोदी जी को वोट देते हैं, देंगे। मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, अभी हम क्यों मिले ना मिले फिर भी वही सर। एगो प्रॉब्लम है जो हम बिहार टीचर वाला में अभी एसटीटी का एग्जाम निकला है, फर्स्ट पेपर का एग्जाम अभी फॉर्म फिलअप किए थे और सेकंड पेपर का मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, जो 11 तारीख को मेरा एग्जाम होने वाला है। देखिए लालू यादव अपने अलग अंदाज में बोल दिए हैं कि हटा के ही दम लेंगे मोदी को, जो बोलते हैं वो करेंगे कि नहीं होगा? लोकसभा इलेक्शन है अगला साल, क्या होगा, हटेंगे कि नहीं हटेंगे नरेंद्र मोदी? हटेंगे कि नहीं हटेंगे, बस इतना सवाल। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, नहीं हटेंगे। आप बताइए, अपने अलग अंदाज में बोले हैं, जोश में, कम आशा है कि हटेंगे? क्यों? सारे विपक्ष एक हो गए हैं, सब प्लानिंग हो रहा है, कम आशा है कि नरेंद्र मोदी हटेंगे? आप बताइए, सही बोल रहे हैं? लालू यादव गरजे हैं, 10% उम्मीद है, 90% तो नहीं है, काहे कि सब सिस्टम उनके हाथ में। क्यों इतना भरोसा? क्यों सब सिस्टम उनके हाथ में है सर? आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम, चाहते हैं मोदी ही आए, गाड़ी दूर हो, ये कैसे कैसे, ये तो वक्त बताए। आप क्या चाहते हैं? हमको चाहने से थोड़ी हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मोदी, हम सोच रहे हैं कि वक्त बताएगा ना, हर एक 5 साल पे बदलाव होते रहे तो बढ़िया रहे। आप क्या चाहते हैं? दोनों राजकेंद्र जी। क्या नाम हुआ? मेरा उदय कुमार यादव। लालू यादव, लालू को तो जानते होंगे, गरजते हैं कैसे वो भी मालूम होगा, उनका भाषण तो मालूम है ना। आज गरज के यही बोले हैं कि हटा के ही दम लेंगे मोदी को, तो बात में कितना वजन है ये बताइए, हटा पाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए, हटा पाएंगे आप? आम आदमी आप हटा, बोलिए ना, आम आदमी आप हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे? कैसे हम कहें, अब आने वाले समय ही बतलाएगा। किसको चुनिएगा अगला साल? हम किसी नेता को नहीं चुनते हैं। नहीं चुनते? किसको चुनते हैं? किसी को नहीं, वोट नहीं देते? नहीं देते, वोट नहीं देते। आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम भूषण दास। लालू यादव बोले हैं कि हटा के ही दम लेंगे नरेंद्र मोदी को, हटा पाएंगे? अभी तो पब्लिक पॉलिटिक्स है, सब पब्लिक है, मैंने जाना है कि नहीं बताइए। ये तो पब्लिक हटा पाएंगे, जागरूक होगा तो हटा पाएंगे, ना तो नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग कोई और रहे? अरे मोदी रहे, इतना तो गरीबी जो है इन लोग से जो है परेशान हो गए। महज मोदी जी तो कुछ अच्छा भी करते, कुछ गलत भी करते। पटना जंक्शन पर हम मौजूद थे, सारे लोग से सवाल कर दे, क्योंकि आप सभी जान रहे कि लालू यादव अपने पुराने अंदाज में आए हैं, गरजे हैं सीधे, और बोले हैं कि हटा के ही दम लेंगे नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है, हटा के ही दम लेंगे, भारत से हटा के ही दम लेंगे, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहें। क्या कुछ कहना था लोगों का? कुछ लोग परेशान तो कुछ लोग भक्त, ऐसा लोग कहते हैं जो चिल्ला रहे थे, वो कहते हैं कि भक्त हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो देखिए, मोदी वाले भी मिले, लालू यादव वाले भी मिले, किस तरह से मिक्स रिएक्शन मिला पटना जंक्शन पे वो आपने सुन लिया, और इसरो वाली बात भी आपको मालूम ही होगी कि लालू यादव ने क्या कहा है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।